सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के YouTube चैनल मिस्टर डीके में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलायंस पावर लिमिटेड के बारे में, जिसे आप आर पावर के नाम से भी जानते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे स्टॉक के अंदर आज हमें कुछ खास न तो तेजी देखने को मिल रही है और न ही गिरावट हो रही है। काफ़ी टाइम से आप देखोगे स्टॉक आपको जो है 16 रुपये के आसपास कंसोलिडेट करते नज़र आ रहा है काफ़ी टाइम से, और वहीं आप देखोगे स्टॉक ने एक साल में 13% के रिटर्न निकाल कर दिए हैं और 52 वीक हाई से 35% डाउन है। 52 वीक हाई आप देखोगे 25 रुपये जो इसने पीछे हाल ही में इसने लगाया था दो तीन महीने पहले। तो अब यहाँ से मेन बात आती है, क्या स्टॉक के अंदर तेजी बनेगी या फिर नहीं, और क्या इसकी एक लेटेस्ट अपडेट आती हुई नजर आई है आज के दिन, उसके ऊपर भी हम जो डिटेल में आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे NSE और जो BSE के अंदर वॉल्यूम लगी है दोनों के अंदर 2.4 मिलियन यानी 24 लाख हमें जो है इसके अंदर ये वॉल्यूम लगती नज़र आई है आज के दिन। और वहीं आप देखोगे मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 5,457 करोड़ की हो चुकी है। और स्टॉक अब आप यहाँ से देखोगे भाई, काफ़ी टाइम से स्टॉक के अंदर गिरावट हो रही है ना, इस लेवल से आप देखोगे काफ़ी गिरावट हुई है, बट यहाँ पर स्टॉक काफ़ी टाइम से आपको सस्टेन करते नज़र आ रहा है। 16 रुपये के आसपास जो है अप डाउन करते वहीं पर आपको जो है क्लोजिंग देता है। फिर आप देखोगे भाई इस लेवल को क्या ये ब्रेक करेगा या फिर नहीं करेगा, और अपडेट क्या है वो आपको बताएंगे यहाँ पर। उससे पहले आप देखोगे तेजी बनी थी स्टॉक के अंदर, अच्छी तेजी वॉल्यूम लगी थी, जिसकी वजह से आप देखोगे स्टॉक के अंदर 20-20% के अपर सर्किट भी हमें देखने को मिले थे। तो ये तेजी थी पीछे आपको सेप्टेम्बर के अंदर देखने को मिली। अब आप देखोगे भाई Q2 की रिलेटेड आपको जो ना बड़ी अपडेट देखने को मिली है। जी हाँ, Q2 रिजल्ट्स की जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। तो चलिए उसके ऊपर हम जो नज़र दौड़ा लेते हैं, आखिरकार क्या है वो डेट, क्या हमें स्टॉक के साथ लॉन्ग टाइम के लिए चलना चाहिए या फिर नहीं। और आप देखोगे भाई जो RSI का जो इसका संकेत है वो बिल्कुल सही है, ओवरसोल्ड जोन में स्टॉक है। उसके साथ साथ आप देखोगे, आपको मैं दिखा देता हूँ भाई अपडेट क्या ही है। उस स्टॉक के अंदर ऑपरेटर गेम भी चलता ही है, आपको पता ही है। तो यहाँ पर आप देखोगे भी 13 घंटे हुए हैं कल, यानी कल आई थी ये अपडेट। यहाँ पर आप देख सकते हो 10 नवंबर को कंपनी अपने फाइनेंशियल रिजल्ट जारी करने जा रही है। जी हाँ, फाइनेंशियली रिजल्ट जो आने हैं, इसके क्वार्टरली रिजल्ट आने हैं, हाफ ईयर के रिजल्ट आने हैं, वो ये कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दिया है। 10 नवंबर को ये कंपनी अपने रिजल्ट पेश करने जा रही है। अगर आपको इसके Q2 के नंबर देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जैसे रिजल्ट आ जाएगा सबसे पहले हम डाल देंगे और उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। अगर बात करें और कुछ अनाउंसमेंट की, तो इसके द्वारा और कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। यहां पर आपको जो ना रिजल्ट की डेट देखने को मिली है, और हाँ उस दिन और किसी अदर मैटर के ऊपर जो ना ये डिस्कशन करते हुए नजर आ सकते हैं। कंपनी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उनके द्वारा किसी और मैटर के ऊपर भी जो ना डिस्कशन किया जा सकता है। अब मेन बात आती है, क्या स्टॉक के साथ लॉन्ग टाइम के लिए चलना सही रहेगा या फिर नहीं। देखो भाई, कंपनी के साथ चलना चाहिए, उसके फंडामेंटल आप देखो, फंडामेंटल स्टॉक कैसा है आप देखोगे। अनिल अंबानी जी की कितनी भी कंपनी है लगभग हाई डेट से जूझ रही है। जी हाँ, कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, जिससे कंपनी बहुत ज़्यादा जूझ रही है। आप देखोगे रिलायंस कैपिटल हो गया, बिकने के कगार पर है, आरकॉम हो गया, क्या हाल था पीछे, अब आप देखोगे भी क्या हाल हो रखा है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। वहीं आप देखोगे आर पावर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा हाई डेट है। तो ये सब जो ना डिपेंड करता है लॉन्ग टाइम के लिए चलने के लिए स्टॉक के साथ, ठीक है। अगर कंपनी सही नहीं है, कंपनी के फंडामेंटल सही नहीं है, कंपनी के पास जो कुछ हमें देखने को मिलना चाहिए वो है ही नहीं, तो हम उससे क्या एक्सपेक्टेशन करें? क्या हम जो ना ये सोच सकते हैं कि ये शेयर आपको रिटर्न निकाल कर देगा? हाँ, शॉर्ट टर्म में अप एंड डाउन करता है, वहाँ पर आप इसके अंदर जो है पैसा बना सकते हो। लॉन्ग टाइम के लिए स्टॉक के साथ चलना आई थिंक सबसे गलत डिसीजन होगा, क्योंकि भाई फंडामेंटल स्टॉक बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं है। और वहीं आप देखोगे, अगर हमें देखें कि बिजनेस अच्छा है, तो बिजनेस भी कुछ खास नहीं है, भी कंपनी को हर साल आप देखोगे लॉस मेकिंग कंपनी, लॉस ही हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे कंपनियों के अंदर पैसा लगाना चाहिए जहाँ पर हमें उम्मीद हो कि पैसा बनेगा, और कंपनी भी आने वाले टाइम में चलेगी, कंपनी ऊपर डेट नहीं है, अच्छी बात है, तो अपने आप को ग्रो कर सकती है। बट यहाँ पर ही अपना डेट पूरा करेगी या फिर अपने आप को ग्रो करेगी, तो ये सब बातें जो ना बहुत ज़्यादा मायने रखती है। बट यहाँ से आपकी जो सोच है वो आपको ही पता, भाई आप क्या सोच के इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे, लॉन्ग टाइम के लिए या फिर शॉर्ट टर्म में। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप इसके अंदर पैसा लगाना चाहते हो तो Q2 का वेट कीजिए, Q2 के बाद में आप जो ना स्टॉक को नीचे से उठा सकते हो। अगर अच्छा आता है तो प्रीवियस क्वार्टर से, अगर अच्छा आएगा तो आपको पता है अभी जाहिर सी बात है अगले दिन तेजी बनेगी, 5-6% की, 10% की बन सकती है, तो अगले दिन तेजी बनेगी जाहिर सी बात, अगर अच्छा आएगा तो रिजल्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसके बिजनेस मॉडल पर आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता देना, उसके ऊपर भी हम जो है आपको वीडियो बनाकर दे देंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।